हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल अपना सपना में। दोस्तों, मैं हमेशा की तरह उपस्थित हूँ आपके सपनों का हल लेके। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे YouTube चैनल अपना सपना में नए हैं तो हमारे YouTube चैनल अपना सपना को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले सपनों का मतलब पता चल सके। तो दोस्तों, आज हम सपने के विषय में बात करेंगे कि अगर आप अपने सपने में खुद को खेलते हुए देखते हैं, किसी प्रकार का भी खेल खेलते हुए देखते हैं अपने सपने में, तो यह सपना आपके आने वाले जीवन में क्या प्रभाव डालता है। दोस्तों, सोने के बाद हम कई प्रकार के सपने देखते हैं और सुबह उठने के बाद उसी सपने के बारे में व्याख्या करते हैं या उस सपने के बारे में सोचते हैं कि आखिर जो सपने आते हैं क्यों आते हैं और इन सपनों का क्या मतलब होता है। तो दोस्तों, सपने को लेकर स्वप्न शास्त्र का मानना होता है कि जो भी सपने हम रात को सोने के बाद देखते हैं वह सपने हमारी भूतकाल की घटी घटनाएं एवं भविष्य में होने वाली घटनाएं को स्वप्न फल के द्वारा दर्शाती है। कुछ सपने हमें शुभ संकेत देती है, वहीं कुछ सपने हमें अशुभ संकेत देती है। और ऐसा ही माना गया है सपने में खुद को खेलते हुए देखना। दोस्तों, सपने में खुद को खेलते हुए देखना यह एक शुभ और एक अच्छा स्वप्न माना गया है। माना जाता है कि अगर आप सपने में खुद को खेलते हुए देखते हैं तो आपके जीवन में चल रही खुशियाँ एवं आपके जीवन में चल रही प्रसन्नता को दर्शाता है सपने में खुद को खेलते हुए देखना। एवं साथ ही साथ यह भी माना जाता है कि अगर आपने खुद को खेलते हुए देखा है तो आप जिस भी कार्य को कर रहे हैं, जिस कार्य को करना चाहते हैं, उसमें आपको खुशीपूर्वक आपको सफलता प्राप्त होगी, यानी निश्चित तौर से आपको सफलता प्राप्त होगी आप जिस भी कार्य को करना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों, सपने में खुद को खेलते हुए देखना यह एक बेहद शुभ और एक अच्छा स्वप्न माना गया है। वहीं स्वप्न शास्त्र कहता है कि जब भी आप ऐसे शुभ स्वप्न देखें तो ऐसे सपने किसी को बताना नहीं चाहिए, किसी के सामने व्यक्त नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से सपने पूरे होने की संभावनाएं कम हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद दोस्तों।